किप सीवर न्यूज अपडेट में आपका स्वागत है। इस समय हम मिसौढ़ा एस 54 पर खड़े हुए हैं। यह सीवर और पिपराड़ी का काफी मुख्य रास्ता माना जाता है। एस 54 के नाम से जाना जाता है। पिपराड़ी से यहाँ से सीवर की दूरी 6 किलोमीटर तय की जाती है। काफी माना रूट इसीलिए जाता है। यहाँ से 2-3 जिलों को जोड़ने वाला यह रास्ता कहा जाता है, सीतामढ़ी, बरगिनिया और मोतिहारी। और उस मिसौढ़ा के पास ये SH-54 की तस्वीरें आप देख रहे हैं। लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा पा रहे हैं, मगर अब तस्वीरें भयावह हो चुकी है। जी हाँ, कई बार ये तस्वीरें घटनाओं का, कई बार इसमें घटना घट चुकी है। अभी एक घटना घटी है कि एक व्यक्ति दूसरे जगह से आ रहे थे, दूसरे जिला में उनको जाना था, मगर गड्ढा होने की वजह से वो गिर चुके हैं और काफ़ी उनको चोट आई है। पहले हम आपको बता दें कि पहले भी वीडियो में हमने आपको दिखाई दी कि काफ़ी झमाझम बारिश होने की वजह से यहाँ पर जलजमाव की स्थिति बन जाती है। जलजमाव को लेकर इस बीच में एक दो दिन पहले SH-54 वालों की तरफ से यहाँ से पानी की निकासी की गई, मोटर वोटर लगा के यहाँ से पानी निकाला गया। और उसके बाद यहाँ पर रोड़ा रखा गया, जो ईंटा रखा गया, यहाँ पर नीचा जगह था, यहाँ पर ईंटा रख के यहाँ पर ईंटा रखा गया। अब स्थिति ऐसी बन चुकी है कि जब फिर बारिश हुई फिर यहाँ पर जलजमाव लग गया और यहाँ पर जो ईंटा रखा हुआ है वो और खतरा बन चुका है। इसलिए कि जो भी वाहन वाले इसमें जा रहे हैं वो ईंटा पर जैसे ही उनका चक्का पड़ रहा है या इसमें ओढ़ा जा रहे हैं, यहाँ इसमें गिर जा रहे हैं तो चोट लग जा रहा है। इसमें साथ अभी एक महिला और एक बच्चा और एक युवक इसमें गिरे हैं, जो काफ़ी उनको चोट आई है। तो आप समझ सकते हैं कि SH-54 वालों की कितनी लापरवाही कही जा सकती है। लगातार ये खबर हम आपको दिखा पा रहे हैं, मगर यही वो लोग हैं, आप देख सकते हैं ये लोग इस पानी में गिर चुके थे, मगर अभी किसी न किसी तरीके से निकले हैं। आप तस्वीरें ये देख सकते हैं, ये बच्चा भी उसी में गिरा था। तो तमाम तस्वीरें हम आपको दिखाकर यह बताना चाह रहे हैं कि SH-54 की यहाँ बहुत बड़ी लापरवाही देखी जा रही है। मिसौढ़ा के 3-4 जगहों पर जहाँ पर निचला हिस्सा है वहाँ पर SH-54 वालों की तरफ से निचले हिस्सों का कोई मरम्मत अभी तक नहीं किया जा रहा है। पूरी तस्वीर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो गड्ढों में सिर्फ ईंट रखा गया, आप देख सकते हैं क्या स्थिति है। यहाँ पर ईंट रखा गया है जिसके वजह से कोई ना कोई वाहन वाले, कोई ना कोई गाड़ी वाले इसमें गिर जा रहे हैं। तो पूरी तस्वीर, एक साथी हमारे यहाँ गिरे हैं जिनकी आप देख सकते हैं चक्कर इनको आ गया है। क्या हुआ है आपके साथ? और ये पूरी तस्वीर आप देख लीजिए, एक एक गाड़ी वाला और उसमें गिरने को, तो पूरी आप तस्वीर देख लीजिए कितनी लापरवाही बरती जा रही है। हम आपको बता दें कि पिछले दिनों में जब बारिश हुई थी उसके समय काफ़ी यहाँ जलजमाव था, उसको लेकर पानी निकासी कर यहाँ पर रोड़ा गिराया गया था, ईंटा गिराया गया था। अब जिसके वजह से देखिए आपके सामने ये स्थिति हम आपको दिखा पा रहे, लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं। इस समय स्थिति है आप देख लीजिए, गाड़ी निकालना यहाँ से मुश्किल हो चुका है। तो SH-54 की तस्वीर है, क्या हालात है ये आप देख सकते हैं कि देखिए कैसे लोग यहाँ से गाड़ी निकाल रहे हैं। ये सीवर और पिपराड़ी का मुख्य रास्ता माना जाता है और एक यहाँ पर गिर चुके हैं, ज़्यादा चोट उठाया है, हाथ में लगा हुआ है, देख लीजिए कि हाथ में कैसे गिर चुके हैं पानी पे। गाड़ी काफ़ी स्लो थी, एक और इनके साथ इनका परिवार भी था, आप देख सकते हैं इनकी परिवार की क्या स्थिति है। क्या हुआ है आपके साथ? कहाँ से आ रही थी आप? मोतिहारी से जा रही थी कि आ रही थी? आ रही थी। क्या हुआ, ज्यादा चोट टूट नहीं लगा है? बच्चा को भी लगा है, देख लीजिए बच्चा को भी यहाँ चोट लगा है। तो कैसी स्थिति में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर रोड़ा रखकर सिर्फ लापरवाही बरता जा रहा है SH-54 पर। पिछले दिनों जब झमाझम बारिश हुई थी उस समय यहाँ पर काफी जलजमाव लगा था, उसको लेकर यहाँ पर SH-54 वालों की तरफ से यहाँ पर ईंटा रखा गया था और ईंटे की तस्वीर आप देख सकते हैं। हालात ऐसे बन चुके हैं यहाँ पर कि ईंटे रखकर जब ये यहाँ पर रखा गया, जब अब फिर बारिश हुई उस समय कोई भी वाहन चालक आ रहे हैं, कोई भी गाड़ी वाले आ रहे हैं, वे कोई ना कोई व्यक्ति इसमें गिर जा रहा है और बड़ी दुर्घटना हो जा रही है। एक हमारी तस्वीरें दिखा पाए कि कैसे वो लोग इस पानी में गिर चुके हैं। बड़ा हादसा होने से ये लोग बचे हैं, तभी भी गंभीर चोट आई है, बच्चों को भी चोट आई है और उनके साथी थे उनको भी चोट आई। कहाँ से आप लोग आ रहे थे? मधुबनी से आ रहे हैं, सीतामढ़ी जाना था।
पूरी तस्वीरें आप देख सकते हैं SH-54 की कितनी लापरवाही है। लगातार यहाँ की तस्वीरें हम आपको दिखा पा रहे हैं, मगर SH-54 वाले तक कान तक ये गूंजे नहीं जा पा रहे। हालात यहाँ के बहुत खराब हो चुके हैं, कोई ना कोई वाहन वाले जरूर यहाँ पर खतरा का सामना करना पड़ा। गिराया क्या यहाँ पर गिराया गया था? ईटा एक ट्रेलर गिरा दिया, हो गया उसने बराबर करके और खतरनाक कर दिया, ये और खतरनाक हो गया, इसमें बहुत सारे लोग खतरनाक कर दिया पहले से और खतरनाक। पहले तो बोला गवाह रंग दीपा रंग के लेके तब रवैया लोग खतरा पता के जाए, अब हटा दिया। अब दीपा कैसे रखे हो यार।